जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 37वां अध्याय मनु वंश वर्णन सुना रही हूँ, सुनिए। सूत जी बोले, मनु जी की नासिका द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम इश्वाकु था। उसके 100 पुत्र हुए, उनमें जो बड़ा था उसका नाम विकुशी था। वह अयोध्या का राजा हुआ। यह राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। रास्ते में आते हुए एक शशा को पकड़ इसने खा लिया। इस कारण इसका नाम भी शशाद पड़ गया। अयोध के पुत्र ककुत्स्यथ हुए। उसके अरे नाम के पृथु के विश्वराट, उसके प्रजापति इंद्र, इसके युवनाशव के कुवलाशव, इंद्र के पुत्र युवनाशव द्वारा प्रजापति श्राव हुए, जिन्होंने श्री वास्तिपुरी बसाई। कर्वलाशव के 100 पुत्र हुए। कुवलाशव अपना राज्य पुत्रों को सौंप स्वयं वन में चल पड़ा। मार्ग में उतंग मुनि मिल गए और कहा, हे राजन, आप तो इस समय धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए राज्य करें, वन में न जाएं। मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रमी द्वंद दानव है। यह उग्र करके लोगों का विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारो। उसके मारे जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, यह सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुवलाशव को अर्पण करते हुए कहा, हे महान, मैं तो शस्त्र त्याग चुका हूँ, यह मेरा पुत्र आपको अर्पण है। उस दैत्य दुंद को यह अवश्य मार देगा। इतना कह कर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु कुवलाश्य में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए। वहीं कुवलाशव बहुत से पुरुषों को साथ लेकर दुंद को मारने के लिए उतांग मुनि के साथ वन में पहुँचे। दुंद ने उनको आता देख क्रोध करके अपने मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कुवलाशव के साथी पुरुषों को भस्म कर दिया। उनमें केवल 3 बचे रहे। कुवलाशव तब झटपट उनके पास पहुँचा, अपने अग्रवाण द्वारा दुंद का अग्रे को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उनका वध कर दिया। यह देखकर उतांग ऋषि ने उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, हे राजन, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाकी बचे नाती पुत्रों में दृढ़ाशव श्रेष्ठ निकला। दृढ़ाशव का हर्षव का निकुंभ तथा निकुंभ का शहताशव, उसका कृशाशव एवं हेमवती एक कन्या हुई। उनका पुत्र परसेनजीत हुआ। आगे परसेनजीत ने अपनी गौर पत्नी को शाप दिया, तब वह बहुधा नाम की नदी हुई। पुरुकुत्स्य का पुत्र जयरुणी उसका सत्यवर्त पुत्र हुआ। इसने किसी दूसरे के विवाह मंत्रों में विघ्न डालकर उसकी स्त्री को हर लिया। इसी कारण उसको अधर्मी समझकर पिता ने उसको त्याग दिया। तब वह बोला, हे पिताजी, मैं कहाँ जाऊँ? उत्तर में पिता ने कहा, तू चंडालों में जाकर निवास कर। पिता के कहने पर वह चंडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके
समुद्र के किनारे पहुँचे, वहाँ तप करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बांध कर 100 गायों के बदले बेच आई। सत्यव्रत ने जाकर उसे छुड़ाया और उसका पालन करने लगा। बांधने के कारण इसका नाम गालिब हुआ। 37वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 38वां अध्याय सगर तक राजाओं का वर्ण। सुनिए, सूत जी बोले, तब सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी का पुत्र के साथ मुक्ति तथा श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा से पालन पोषण किया। एक दिन वह राजकुमार मास न होने पर महर्षि वशिष्ठ जी की गौवों में से एक को मारकर विश्वामित्र के पुत्र के साथ मिलकर खा गया। यह सुनकर वशिष्ठ को क्रोध आया और बोले, तुमने 3 पाप किए हैं, इसी कारण तू त्रिशंकु हो जा। इतने में विश्वामित्र भी तप करके आ गए। सत्यव्रत की अपनी पत्नी पुत्र का पालन करते देख कर उस पर प्रसन्न हुए। फिर सत्यव्रत को उसके पिता का राज्य दिलवा कर यज्ञ कराया। देवताओं के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। केकई वंश की सत्यरथी नाम की उसकी स्त्री थी, जिससे हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र हुए रोहित, रोहित के वक्र, वक्र के बाहु हुए। इसी बाहु राजा ने और ऋषि के आश्रम में जाकर ताल चंगाओं से रक्षा पाई। उसी स्थान पर जहर सहित इसका पुत्र पैदा हुआ, इसी कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर ने भार्गव ऋषि से अग्रह अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की, जिससे है एवं ताल जंगाओं को मार उस सारी पृथ्वी पर विजय पाई। उसके बाद शक, वधु, दक, पारद, तंगण, खश नामी देशों में धर्म स्थापना किया। इसकी कथा इस प्रकार है। बाहु राजा के सब राज्यों को है एवं ताल जंगाओं ने अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री को साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उस समय पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम यादवी था। वह यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर इसके आश्रम में निवास करने लगी। सदा शिव के ध्यान में मगन होकर निरंतर उस ऋषि की सेवा प्रायना हुई। समय आने पर उसने महाबलवान पुत्र उत्पन्न किया, इसी का नाम सागर था। और ऋषि ने अग्र शास्त्र की शिक्षा देकर इसे निपुण कर दिया। इसी सागर ने अग्र यात्र द्वारा ही यह ताल जंगाओं का विनाश करके अपने पिता का राज्य प्राप्त किया। उस समय शक, यवन, कंबोज, पालहो आदि वशिष्ठ की शरण में पहुँचे। ऋषि ने इनको अभय दान दिया। तब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन समझकर उसे सत्य करने के लिए ही शकों का आधा सिर मुंडवा दिया। यवन तथा कंबोजों के सारे सिर का मुंडन करा दिया। पारद एवं पहलवों को दाढ़ी मूछे रखा कर फिर सबको छोड़ दिया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ रचाया। इसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा पकड़ कर पृथ्वी के नीचे पाताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़ा ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते यदि पुरुष कपिल जी के आश्रम पर सबके सब पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचाया।
जिसे सुनकर कपिल देव ने अपने त्योज में आंखें खोली, जिनसे प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया। वे सबके सब 60,000 थे, केवल 4 बच गए, हर्ष, केतु, सुकेतु, धर्मरथ तथा शूरवीर। 5 जन इन्हीं के द्वारा सागर वंश चला। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे पर प्राप्त हुआ। तब सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 38वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 39वां अध्याय वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।